ई माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में की थी। एक कोशिका द्रव्यों में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्यों में बिखरी रहती है। ऑल्टमैन ने ऐसे बायोब्लास्ट था बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार, साइज और आकृति, शेप परिवर्तनशील होता है। ये कोशिका द्रव्यों में कौनों कॉन्ड्रियोमिट्स, सूत्रों फिलामेंट्स, छड़ों कॉन्ड्रिकॉन्स और गोलकों कॉन्ड्रियोस्फीयर्स के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंत झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल की भीतरी झिल्ली से अनेक प्रबुद्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीजन पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं कि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 ATP क्रेब्स चक्रों के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं।